भाई और बहनों, याद करिए पहले कितने घोटाले होते थे और हम हिंदुस्तानवासी कितना शर्मसार होते थे। आपके इस सेवक ने 5 साल सरकार चलाई है और कोई भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है। हां, दिन में सपने देखने वालों को, झूठ बोलने वालों को मैं रोक नहीं सकता, झूठ पर झूठ बोलने वालों को रोकने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूं। साथियों, इस प्रधान सेवक को आपका विश्वास मिला है, आपके आशीर्वाद मिले हैं, तभी काले धन और भ्रष्टाचार पर सीधा वार मैंने किया है। आपका साथ मिला तभी हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वालों से देश के पैसे वसूल कर पाया हूं। आपका समर्थन मिला तभी 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों को एक झटके में बंद कर दी। आपने मुझे हर फैसले का हौसला दिया तभी जो महंगाई आसमान को छू रही थी, बिचौलिए मलाई खाते थे, किसान मरता था, उपभोक्ता मरता था और इनके चले चपाटे माल खाते थे, उस महंगाई को भी काबू करने का काम ये मोदी सरकार कर पाई है। साथियों, मुझ पर इस विश्वास के बीच दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे महामिलावटी दलों पर अविश्वास भी लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं। आप ये हमारे सारे विरोधियों के भाषण सुनिए, वो देश को कहां ले जाने हैं कुछ बताते नहीं। अब तक उन्होंने 50-55 साल देश चलाया, क्या किया बताते नहीं। आने वाले 5 साल में क्या करेंगे बताते नहीं। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बंगाल में जाओ वही सुनाई देगा, उत्तर प्रदेश में जाओ वही सुनाई देगा, कर्नाटक में जाओ वही सुनाई देगा, महाराष्ट्र में जाओ वही सुनाई देगा, बारामती में जाओ वही सुनाई देगा, मरा में जाओ वही सुनाई देगा। क्या सुनाई देता है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इन्होंने मोदी को हटाने का ही मुद्दा बना दिया है। देश को दुनिया में गौरव कैसे दिलाएंगे, भारत की जय जयकार कैसे होगी, इसकी इनके पास कोई सोच नहीं है। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुट गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है मामला चला नहीं तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, जिस कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है।
लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। कांग्रेस और उसके साथियों को, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ऐसी भाषा बोलने वालों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे?